हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट पे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने कहीं कि फॉरेन ट्रेड पे डिस्कस किया था। हमने डेमोग्राफिक फैक्टर्स पढ़े थे, जहाँ पर हमने भारत के या इंडिया के जो सेंसियस हैं उस पर हमने डिस्कस किया था। हमने उसमें स्वेज चैनल के ऊपर डिस्कस किया था और हमने ये भी बताया था कि इंडिया के अंदर लगातार जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर ऐसे क्या रीजंस हैं जिस कारण से पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हुई। आज हम थोड़ा सा और चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। आज हम आपको इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो व्यवसाय का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्रेड किस प्रकार का होता था इंडिया के अंदर, और लगभग इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिपेंड किस पे होती थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, ज़्यादा टाइम ना लेकर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्यवसाय संरचना किसे कहते हैं। ड्यूरिंग द कॉलोनी पीरियड, औपनिवेशिक शासन काल के समय, कॉलोनी टाइम पीरियड के अंदर द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का जो व्यवसाय जो स्ट्रक्चर था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो वर्किंग सेक्टर, मतलब जो लेबर वर्क था, वो कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर में डिवाइड था। मतलब उसमें कहीं ना चेंजेस देखने को मिलती थी, परिवर्तन देखने को मिलता था, जिसमें कुछ वर्किंग सेक्टर तो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर क्षेत्रों में लगे हुए थे और कुछ अदर सेक्टर के अंदर, डिफरेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे। सो द लेटेस्ट सिग्नल ऑफ द चेंज, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या हुआ, परिवर्तन या कोई परिवर्तन नहीं आया, या कहते हैं कि उनमें किसी प्रकार का चेंजिंग देखने को नहीं मिला। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटिंग फॉर, जो कृषि का क्षेत्र था वो द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्क फोर्स, एक बड़ा जो सेक्टर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता था। विद द यूनिट usually remained at a high of 70-75%, while the manufacturing and the service sector accounted for only 10-20% in respectively. लगभग 70-75% जो people हैं वो agricultural sector पर direct and indirect रूप से depend करते थे, जिसमें लगभग 10% जो अदर सेक्टर के अंदर, जिसको मैं सर्विस सेक्टर को इंक्लूड करूंगा, वो 10% था, और लगभग ये बोल सकता हूँ इसमें 15-20% अदर सेक्टर के अंदर लोग रोजगार मिल पा रहा था। इसमें पार्ट ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी, अगर मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं उस समय उसके अंदर जो स्टेट थे वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल और कर्नाटका स्टेट इसके अंदर इंक्लूड होते थे। बॉम्बे एंड द बंगाल विटनेस एट द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड को, जिसमें कमेंसुरेट ऑफ द इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर। अगर मैं मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करता हूँ, तो मुंबई एंड द बंगाल कुछ ऐसे भी अदर सेक्टर थे जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पर, जिनकी निर्भरता या कहते हैं डिपेंडेंस थोड़ी कम हुई, और कहीं ना कहीं अदर सेक्टर पर डिपेंडेंस ज्यादा हुई, जिनमें कि मैं मैन्युफैक्चर सेक्टर को इसमें इंक्रीज कर सकता हूँ, इसको इसमें जोड़ सकता हूँ। हाउएवर देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन द स्टेट, बट लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उसी अवधि, उसी टाइम पीरियड के अंदर पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा जो सेक्टर थे, वहां पर कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर की जगह प्राइमरी सेक्टर का जो रेशियो था वो तेजी से इंक्रीज हुआ, और उसमें राजस्थान को मैं इसमें शामिल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के अंदर अब प्राइमरी सेक्टर को ज्यादा लोग पसंद करने लगे, और साउथ इंडिया के अंदर थोड़ा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हुआ, और लोग वहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंड होने लगे। इसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, भारत का जो आधारित संरचना किस प्रकार की थी, किस प्रकार का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था। चलो थोड़ी डिस्कस इस पे कर लेते हैं। अंडर द कॉलोनियल डिजाइन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच ए रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ डिड द डेवलप्ड। हम बात करें कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर, तो कहीं के देश में रेलवे, पोर्ट जिसमें वाटर जो सी पोर्ट है वो, और कहीं के डाक, तार जो सुविधाएं हैं, इनमें कहीं कहीं डेवलप हुआ, विकास देखने को मिला। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट वाज नॉट द प्रोवाइड बेसिक द एमिनिटीज टू द पीपल, बट द सबसर्व द वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। ऐसा क्या कारण था, जन सामान्य जो कॉमन मैन थे, जिनको मैं बोल सकता हूँ वो उनको अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा कोई मोटिव नहीं था कि वो यहाँ के कॉमन मैन को कोई जो यहाँ की कंपल्सरी जो फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड की जाए, नो।
लेकिन उनका ये मात्र ये काम था कि कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाए, उनकी जो जरूरत जो आवश्यकताएं सिर्फ उनको पूरा करना है उनका मेन वर्क था। ठीक है, ये कॉलोन टाइम के पीरियड की बात करते हैं। जो इसमें बात करते हैं रोड की, कंस्ट्रक्टेड इन द इंडिया प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। ये लाइन मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, इस लाइन पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। मैं बात करूंगा रोड ट्रांसपोर्ट की। ये लाइन क्या कहना चाहती है, इस लाइन में समझाया गया है कि उस टाइम में ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर पहले बनी जो जो सड़कें थी, जो रोड थे, वो मॉडर्न मतलब आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थे। मतलब मैं कह सकता हूं कि रोड कंस्ट्रक्शन इन द इंडिया प्रायर, पहले टाइम की जो सड़कें बनी हुई थी एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वर द नॉट फिट ऑफ द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए काफी फिट रही थी, मतलब उपयुक्त नहीं थे। रीजन था द रोड दैट वर बिल्ट ऑफ द प्राइमरली सर्वड टू द प्रपोज ऑफ मोबिलाइजिंग ऑफ द आर्मी विद इन द इंडिया एंड द ड्रॉइंग आउट रॉ मेटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द पोर्ट टू सेंड दीज टू फॉर अवे इंग्लैंड और अदर लोकेटिव ऑफ द फॉरेन डेस्टिनेशन। मतलब उनका कहने का मतलब मीन्स ये था कि उनका एक मुख्य तो ये था जो इंडिया के अंदर जो मिलिट्री थी उसके लिए आने जाने के लिए रोड को यूज किया जाता था, या देश के इंटरनल जो पार्ट थे वहां पर रॉ मेटेरियल को एक पोर्ट जगह से दूसरी जगह, या मैं कह सकता हूं कि रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट को ही यूज किया जाता था, जो कहीं ना कहीं जिसमें रॉ मेटेरियल को सबसे ज्यादा मैं यूज कर सकता हूं इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने का एकमात्र रीजन यही था स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम रेलवे जो ट्रांसपोर्ट था वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, तो एक रेलवे ट्रांसपोर्ट से या पोर्ट तक पहुंचाने के रॉ मेटेरियल को हमें रोड ट्रांसपोर्ट को यूज करना होता था। There always remained and acute the shortage of all weather road to reach out of the rural area during the rainy season. मैं रेनी सीजन की बात करता हूँ देश के अंदर, तो जब देश में रेनी सीजन आता था, बारिश का जब मौसम आता था, तो उस समय गाँव के अंदर जो सड़कें थी उनका लगातार क्या था, अभाव था। मतलब यहाँ पर अच्छे रोड नहीं थे, इस कारण से जो रॉ मेटेरियल था उसको लाने ले जाने में रेनी सीजन में काफी प्रॉब्लम आती थी, या कहते हैं इनका निरंतर अभाव बना रहा था। इसमें कुछ और भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि नेचुरली जो प्रॉब्लम थी उसमें देयर फॉर द पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज द एरियाज सफर्ड। ठीक है, इसमें लोग जो मेनी जो लोग थे बेटा वो कहीं ना कहीं सफर करते थे ड्यूरिंग द नेचर क्लाइमेट एंड द फेमाइन, जिसमें देशवासियों को जीवन में बहुत बड़ी कठिनाई आती थी। इसमें फेमाइन और जो नेचुरल क्लाइमेट आपदाएं और अकाल जैसी सिचुएशन भी सामने आती थी, जिस कारण से लोग लगातार स्ट्रगल करते थे। इंडिया कंट्री की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस, अगर मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ चर्चा करता हूं, तो 1850 के अंदर रेलवे जो ट्रैक था वहां भारत में स्टार्ट हो गया या आरंभ हो गया, ये आपको मोस्ट रखना है कि भारत के अंदर रेल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी, 1850 के अंदर। एंड इट इज द कंसिडर्ड एज द वन ऑफ देयर मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, और जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है भारत के अंदर। बस रेलवे ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कुछ अच्छा किया, या कह सकते हैं इस ट्रांसपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लिए ही बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत इंडिया का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। द रेलवे इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, रेलवे के आने से कहीं ना कहीं इंडियन जो इकोनॉमी जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें डेवलप हुआ, थोड़ा बहुत उसमें मैं थोड़ा चेंज देख सकता हूँ, लेकिन इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। दो इसमें स्ट्रक्चर प्रभावित देखने को मिला, इसमें मैन में बात करूंगा। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो इन द एनेबल ऑफ द पीपल द अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल एंड देयर ऑफ द ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड द कल्चर वेरियस वाय। सबसे पहली बात तो मैं बात करूंगा भारत में जो रेलवे ट्रांसपोर्ट के आने से कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा कल्चर था आसानी से अब हम लॉन्ग डिस्टेंस की जो यात्राएं वो कर सकते हैं। दूसरी ओर इंडियन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो हमारा ट्रेड सेक्टर था, ठीक है ना, ट्रेवल्स तो कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ ब्रेक ज्योग्राफिक कल्चर बैरियर वाइज उसको भी हम आदान प्रदान करते कल्चर को भी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर देखें तो जो फॉस्टरेट द कॉमर्शियलाइजेशन और इंडिया एग्रीकल्चर विद द एडवाइजरी अफेक्टेड द सेल्फ सफिशिएंट इन द विलेज ऑफ इकोनॉमिक इंडिया। भारतीय जो रूरल एरिया था, गांव के जो एरिया था, उसकी जो इकोनॉमिक सेक्टर था, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, वो सेल्फ रिलायंस होकर आत्मनिर्भर स्वरूप पर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला, प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, इसमें द वॉल्यूम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट
जो भारत के अंदर जो बेटा निर्यात जो एक्सपोर्ट होता था निसंदेह उसमें क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुई, उसमें इंक्रीज हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, तेजी से बढ़ा, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड इज द बेनिफिट रिले रेले द एक्यूर टू द इंडियन पीपल, और कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर जो लोग थे वो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो बेनिफिट था वो इंडियंस को बहुत ही कम देखने को मिला, क्योंकि इसका बेनिफिट सबसे ज्यादा जो मिला वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही मिला। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मैं मान सकता हूँ, इंडियंस जो लोग थे या पीपल थे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिला, लेकिन द सोशल बेनिफिट विच द इंडियन पीपल गेनेड द ऑन ओविंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे वर द थस द आउटवेट बाय द कंट्रीज हग इकोनॉमिक लॉस। माना जाता है भारत के अंदर जो लोग थे उनको सोशल जो मैं समाज के अंदर जो सामाजिक क्षेत्रों की मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं इंडियन जो गवर्नमेंट थे यहाँ के लोगों को इंडियन रेलवे से मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं तो वेदर थर्ज द ऑनवेट बाय द कंट्रीज हग द इकोनॉमिक लॉस, कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को इसमें या मैं कह सकता हूं आर्थिक रूप से इसमें लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस ज्यादा देखने को मिला कंट्री के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा था करेंसी वो इंडियन से ली गई थी। अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ द रोड एंड द रेलवे, अगर मैं सड़कों और रेलों की बात करता हूँ उनके विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉलोनियल टाइम जो टाइम पीरियड था औपनिवेशिक शासन काल था डिस्पेंशन आल्सो टुक मेजर्स फॉर द डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लाइन्स, कहीं ना कहीं इनलैंड में था आंतरिक जो जलमार्ग थे जिसमें सी लैंड में समुद्री जो जलमार्गों की बात करता हूँ उसके विकास पर भी ध्यान दिया, बट लेकिन वो ज्यादा संतोषजनक नहीं रहे, मतलब उन पर कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान ना देकर मैं कहता हूँ उनको लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात है। हाउवेयर दिस द मेजर वेयर द फार फ्रॉम सेटिस्फिकेटरी, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ हाउवेयर क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो वर्क किए जाते क्या उसे संतुष्ट थे, नो उसे किसी प्रकार की संतुष्टि देखने को नहीं मिली। इसके बाद द इनलैंड वाटरवेज एट टाइम आल्सो प्रूव्ड द अन इकोनॉमिकल एज इन द केस ऑफ द कोस्ट कोनल एंड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इंटरनल जो मैं वाटरवेज की बात करता हूँ जो समुद्री मार्ग थे आंतरिक रूप से वो भी कहीं ना कहीं अनसक्सेस रहे, जिसमें उड़ीसा का जो कोस्ट रहता वहां पर जो कैनल सिस्टम था इसका एकमात्र अच्छा एग्जांपल है, ठीक है ना। ये बात याद रखना कि सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उड़ीसा के अंदर कैनल सिस्टम को कहीं ना कहीं वाटर जो सी रूट के रूप में यूज किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनसक्सेस रहा, ठीक है, किससे, रेलवे की। लेकिन फिर भी माना जाता है थ्रू द कैनल फिर भी इस नहर का जो निर्माण था वाज बिल्ट एट द हग, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर रहता, ठीक है ना, इस नहर का जो निर्माण कैनल का जो सिस्टम था वो कोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सचेकर था, येट इट द फेल टू द कंप्लीट विद द रेलवे, माना जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा शहर का जो निर्माण किया था इसको बनाया गया था वो गवर्नमेंट के कोष से या गवर्नमेंट के पास से पैसे से लेकर किया गया था, लेकिन फिर भी जो रेलवे थी उससे ये कंपटीशन नहीं कर पाया, ये जो रूट था इस कारण से इसको मैं अनसक्सेस बोलूंगा और गवर्नमेंट इसको अनसक्सेस माना। विच सून द ट्रेवल द रीजन द रनिंग ट्रेवल टू द कैनल एंड द हैड टू बी द एलिमिनेटरी ऑफ द ऑप्टेंट, फिर भी बेटा भारत के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो जलमार्ग था या मैं वाटरवेज की बात करता हूं उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोड़ दिया और इंडिया एक डेवलप या कहते हैं कि महंगी उन्होंने एक और योजना अपनाई, एक और पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ऑफ इंडिया, भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को अडॉप्ट किया गया। सिमिलरली द सर्वर द प्रपोज ऑफ द मेंटेनिंग द लॉ एंड द ऑर्डर, वो सिर्फ कहीं ना कहीं दूसरी डाक सेवाओं को जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदान किया गया था, लेकिन जो ये तार सुविधा थी ये सिर्फ कानून व्यवस्था को अच्छा या लॉ जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसको अच्छा या कहते हैं लॉ एंड द मेंटेनिंग उसको अच्छा करने के लिए देश में लॉ अच्छा काम करे इसलिए इसको कहीं ना कहीं तार व्यवस्था को यूज किया गया सबसे ज्यादा। द पोस्टल सर्विस ऑन द अदर हैंड, जो पोस्टल सर्विस थी अदर क्षेत्रों में देखे तो डिस्ट्राइड द सर्विंग द यूजफुल द पब्लिक पर्पोज, वो सिर्फ पब्लिक के लिए थी उसको सिर्फ पब्लिक ही यूज कर पाती थी। रिमेन द ऑल थॉट इंडक्टिव ऑफ यू विल वी लर्न मोर अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं बात कर रहा हूं किंतु फिर भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके बारे में अगर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों तो हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करूंगा चैप्टर के जो कुछ कंटेंट्स हैं आप थोड़े समझ में आए होंगे कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ कॉलोनियल टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल और जो लगाए जाते थे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर रहकर उस पर हमें क्या बेनिफिट मिले,
हाँ इंडियन जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था, इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इन पर हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। मैं कह सकता हूँ ये पूरा चैप्टर इंट्रोडक्शन का है। अब जो हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर दोस्तों मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो हम 1950 से लेकर 1990 के बीच में 1990 तक कहीं ना कहीं हमने इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या ऐसी रीजंस रहे कि वो कोशिश भी हमारी अनसक्सेस रही थी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में।